हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज सोचा था ना मैंने कि क्यों ना आज एप्पलों को उनके बकेट में रख दूँ। ये ही है एप्पल का बकेट, और जिनमें हम ना रखते नहीं है, हम इस कांच वाले में रख दिए थे काफ़ी दिनों से। तो मैंने सोचा आज इसका बकेट निकाल के साफ़ सुथरा करके सारे एप्पलों को उसमें खाली कर देती हूँ। बस वो काम निपट गया, फिर मैंने सोचा कि ये तेल रखे दो दो पैकेट, तो इन्हें भी खाली कर लेती हूँ। हस्बैंड ना ब्रेड पकौड़ा बना रहे थे, आज उन्हें ब्रेड पकौड़ा खाने का मन हो रहा था, तो उन्होंने बोला कि मैं बना लेता हूँ। और उसके साथ ना हमने हरी चटनी और टोमेटो सॉस लिया था, तो इतना टेस्टी बना था फ्रेंड्स। और मैंने ना नॉर्मल वाले खाए थे, मैंने आलू वाला ब्रेड पकौड़ा नहीं खाया था। मुझे सिर्फ बेसन में लपेटा हुआ ज़्यादा पसंद आता है, और मम्मी पापा ने भी वैसा ही खाया था। बस देव ने अपने लिए ना डिफरेंट बनाया था, आलू वगैरह डाल के, चीज़ वगैरह डाल के। जो ब्रेड पकौड़ा बनाया था ना फ्रेंड्स, तो एक और पैकेट मैंने यूज़ कर लिया था, तो दूसरे पैकेट को मैंने सोचा जल्दी से खाली कर दो एयर टाइट में। अदरवाइज़ क्या होता है कि ये ना ख़राब हो जाते हैं पैकेट्स, इसलिए इसे खाली करके सेफ रख दिया मैंने। देखो मैंने ब्रेड पकौड़े के लिए ना लहसुन टमाटर और हरी मिर्च की चटनी बनाई थी। ये ना इतनी टेस्टी बनती है ना, आपने दूसरी बार देखा होगा कि मैंने बनाई है। और ये ना सच में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं हमेशा चटनी बना लेती हूँ। और ये सॉस के साथ ब्रेड पकौड़ा खाया था ना, सच में बहुत टेस्टी बना था ये। आज ना मुझे केले के ये स्टेम की रेसिपी बनानी थी। ये ना बहुत आसान होता है, लेकिन ये इतना हेल्दी और टेस्टी होता है कि मैं क्या बताऊँ आपको। ये इसलिए पापा लेकर आए थे, और ये सिर्फ 5 और 10 रुपए में मिल जाता है, लेकिन इसमें आयरन इतना ज़्यादा होता है कि अगर आपको कमी है ना, तो आप इस सब्ज़ी को बनाकर खाइए, मज़ा आ जाएगा आपको। बस दोपहर का खाना मैंने स्टार्ट करा था बनाना, मैंने अपनी चाय भी बना ली थी, क्योंकि मैं चाय पीते पीते खाना बना लेती हूँ। बड़ी भी डाल दिए थे, तो और टेस्टी ये बना था इस कारण से। यहाँ पर मैंने सोचा कि क्यों ना दोपहर का बर्तन अभी सारा साफ कर दो, फिर ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा, इसीलिए सारे बर्तनों को मैं फटाफट निकाल रही थी। पूछते हैं कि कैसी लगी आज की सब्जी जो मैंने बनाई थी। सब्जी यम है, अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है। मैंने बनाया, मम्मी पापा को तो इतना पसंद आया कि उन्होंने बोला कि हमने तो सिर्फ इस सब्जी से चावल खाया। वाह फ्रेंड्स, आज ना पापा के फ्रेंड के वहाँ इनविटेशन है, एक्चुअली अन्नप्राशन है, तो बस हम उसी के लिए रेडी होंगे। तो मैं आपको वहाँ का सारा शूट दिखाऊंगी, वहाँ पे कैसा कैसा क्या था। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बुबू रेडी हो चुका है पार्टी के लिए, शर्ट पैंट पहन के एकदम जेंटलमैन की तरह, बस उसको कंघी करना बाकी है। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, हम सभी तैयार हो चुके हैं, बस अब हम इन्विटेशन में जाएंगे और थोड़ा बहुत शूट वहाँ का भी आपको दिखाएंगे। सामने से लो तो मम्मी जरा ऐसे करना, ठीक है, पापा के लिए इसको दिखाएंगे, इसको खा। गा
इससे लगता है ना कि मैं लेके जाती हूँ इसीलिए। तुम्हार गाड़ी लास्ट मालिक तो तुम পুরো বডি ওর কাঁপতেছে কিন্তু, হ্যাঁ বুঝলেন, ওই দেখেন, ওই দেখেন মাথা কিরকম ভাবে গেল। अरे लेके जाएंगे, दादा चले जाच्छे। पर हम लोग अंकल आंटी के घर पहुंच गए थे, हमने सभी को नमस्ते वगैरह किया, पैर वगैरह छुए, और यहाँ पर देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ थी, सब लोग इकट्ठा हो चुके थे वहाँ पे। और बुबू ना सो गया था गाड़ी में ही, उसे नींद आ गई थी क्योंकि आज वो पूरे दिन सोया ही नहीं। और देन फिर हम लोग अपना प्लेट ले लिए थे खाने का, और मैंने बहुत सारा खाना ले लिया था, ये देखिए कितना सारा मैंने खाना खाया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ उसे लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।